रीवा में एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया और आपको बता दें यह मारपीट नगर निगम के एक कर्मचारी के साथ की गई है। दरअसल नगर निगम रीवा के कर्मचारी नगर निगम के वाहन से मशीन का कुछ सामान रीवा से सतना पहुंचाने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने छोटे पुल क्रॉस किया तो फोर व्हीलर में सवार तकरीबन 4 की संख्या में युवक आए और गाड़ी के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी और ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद 2 और लोगों को अपने स्विफ्ट में जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और महिंद्रा एजेंसी ढेकहा के सामने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई। आपको बता दें नगर निगम के कर्मचारियों के साथ तकरीबन 20 की संख्या में युवकों ने महिंद्रा एजेंसी के सामने मारपीट की है और मारपीट करने के बाद वहीं पर उनको फेंक कर फरार हो गए। मारपीट जिस युवक के साथ हुई है उसने बताया कि रीवा से सतना नगर निगम का सामान लेकर जा रहा था, नगर निगम का कर्मचारी हूँ। जैसे ही छोटी पुल के पास पहुँचा तो युवकों ने अपनी कार में जबरदस्ती मुझे बैठा लिया और महिंद्रा एजेंसी के सामने ले जाकर मेरे साथ मारपीट की। अगवा करके ले गए थे, उठा के ले गए थे, क्या कुछ मामला है? श्रीमान जी, मैं सतना जा रहा था अपने नगर निगम की कंपनी के काम से कुछ सामान पहुंचाने कैंपर में। हमारे साथ आप ये मिस्त्री हैं और एक मिस्त्री ये हो गए। तो जैसे बड़ी पुल आती है जो ढेकहा की, जैसे हमने क्रॉस किया तो एक हमारे पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार आती है MP1728, आगे का नंबर मैं नहीं जानता हूँ, कोई आयुष वर्मा कर की गाड़ी है जो गाड़ी चला रहा था। तो बेड़ा लगा दिया जैसे पुलिस वाले लोग लगा देते हैं, बोले गाड़ी से उतर नीचे, मेरे गाड़ी में ठोंक दिया है। तो सीधे उतरते ही कैंपर की हमारी चाबी निकाल ली, चाबी के साथ अपने गाड़ी में रख दिए। उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाते हैं, बोले कि जल्दी जाओ, 3 लोग आ गए, हमको भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली देने लगे। उसके बाद जैसे फिल्मों में उठाते हैं वैसे दो लोग मेरा ये बाजू हाथ पकड़ के मुझको गाड़ी से नीचे उतार लिए मेरे कैंपर से और अपने शिफ्ट में किडनैप जैसे करते हैं वैसे बैठा के दरवाज़ा बंद करके ऐसे ऐसे करने लगे और वहाँ जस्ट महिंद्रा एजेंसी के सामने ले गए। वहाँ फोन लगाए, कोई दादा करके हैं मुँह चूँच रखे थे, वो आए और 10-12 लड़का और अंदर से आए और फिर हमको ऐसे मारे भैया कि जैसे कोई आदमी कपड़े को पछाता, लात घूंचा तमाचा छुरा, यहाँ यहाँ तमाम देखिए मेरे निशान हैं, यहाँ हमारे ये कपड़े में मेरे सब बना, लुटा लुटा के मारे। ये लोग सब बचाव कर रहे थे और वहाँ के कुछ लोग जो सीनियर लोग थे 2-4 लोग जिनको दर्द हो रहा था वो भी बोले, लेकिन नहीं माने हमको, कम से कम नहीं तो 50 लात 50 तमाचा मारे बोले। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, फिर हमारी गाड़ी को महिंद्रा एजेंसी के अंदर खड़ा कर दिया गया। गाड़ी आपकी कहाँ पे रुका है और कहाँ ले जाके मारपीट किए हैं? ढेकहा पुल के जैसे टर्निंग आती है थोड़ा उसके आगे एक CCTV कैमरा लगा है, वहाँ पे जूस वाले की दुकान थी, वहाँ पे रुकाते हैं। वहीं से 4-5 लोग और आते हैं और वो लड़का था जिसकी शिफ्ट जो शिफ्ट में था, ये लोग हमको बैठा के सीधे ले गए महिंद्रा एजेंसी के गेट के सामने मारते हैं। महिंद्रा एजेंसी गेट के सामने, वहाँ पे तो कैमरा लगा होगा, कैमरा लगा है, पूरा वीडियो आ गया होगा। महिंद्रा एजेंसी टोटल स्टाफ थे, सब शर्ट पहने थे फुल, वहाँ पे लिखा था महिंद्रा, जो हमको मारे हैं महिंद्रा की कंपनी के कर्मचारी मारे हैं, कोई नहीं हमको बचाव किया। सोचिए कब की घटना ये? आज करीब दोपहर 1:15 के बीच में है, 1:15 से 1:30 के बीच में, 1:30 के बीच में। अब रीवा नगर निगम से सामान लेके सतना नगर निगम जा रहे थे? जी हाँ, अपने MSW का सामान लेके, वहाँ गाड़ी का काम चलता है तो वहाँ ये मिस्त्री लोगों को सामान लेके अभी रखा है गाड़ी में, वही लेके पहुँचाने जा रहा था। तो बोले, हमने ये भी बताया भैया आपकी गाड़ी में स्क्रेच लगा है, यदि हमसे हो गई गलती समझौता हो जाएगा, जो आपका खर्चा आएगा हम दे देंगे। तो वो नहीं सुने, हमको केवल मारने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर पांडे। किस विभाग के हैं आप? मैं ये MSW नगर निगम रीवा नगर कैंपर चलाता हूँ, नगर निगम कर्मचारी हैं जी। हाँ।